नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है आपका। मैं मुकेश सोनी छिंदवाड़ा से। आज हम बात करेंगे गेहूं को लेकर, जानेंगे क्या रेट चल रहे हैं और आने वाले समय में इसमें क्या रेट होंगे। हम जानेंगे अशोक सागर जी से। तो सर ये बताइए अभी क्या दाम चल रहे हैं? अभी बिक रहे हैं 2360-70 से लेके करीब करीब 2650-60-70 ऊपर में, 10-20 ढेर 2700 के समथिंग ऐसा बिक रहा है। अच्छा माल कितनी आवक है? लगभग लगभग 20 से 25 हज़ार बोरे के आसपास की आवक है अभी। अभी रेट डाउन चल रहे हैं कि अच्छे चल रहे हैं? अभी थोड़ा 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा डाउन आया है। एक्चुअल में क्या है, सभी मंडियों में थोड़ा आवक का प्रेशर है और आटा मैदा मिलों में थोड़ा डिमांड कमज़ोर है, इसके चलते बाज़ार में थोड़ा डाउन आया है। तो और क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह यह है कि अभी तो भरपूर मात्रा में सभी जगह से माल निकल रहा है और जितना माल चाहिए मिलर को उतना माल मिल रहा है, तो इसके चक्कर में मतलब इसके एवज में थोड़ा बाज़ार नीचे आया है। कब तक नीचे रहने की उम्मीद है सर? अभी तो एक आध हफ्ते 10 दिन तो मार्केट थोड़ा इसी टाइप से चलेगा, 10-20 रुपये नीचे ऊपर करके मार्केट इसी टाइप से चलेगा। कब तक उम्मीद की जा सकती है आगे? हफ्ते 10 दिन में डिमांड बनेगी तो, और आवक कमज़ोर होना है तो इसके इसमें वापस बाज़ार सुधारना चाहिए। कब तक और गेहूं आने की उम्मीद है? गेहूं तो आएगा अभी करीब करीब 1 महीने तो आएगा गेहूं भरपूर मात्रा में। अभी तो चलेगा 15 जून 20 जून के आसपास तक चलेगा मार्केट। मौसम की वजह से? मौसम के कारण बहुत परेशानी हो रही है व्यापारियों को, किसानों को, लेबर को, हर किसी को इतना परेशानी हो रही है कि समझ में नहीं आता कि कब बारिश आ जाए कब ना आए, तो ये चीज़ का थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रहा है और इससे नुकसान भी हो रहा है किसानों को। अगर बारिश आती है तो माल ख़राब हो जाता है तो उससे उनको कम रेट में बिकता है, तो इसके कारण भी थोड़ा मतलब रेट कम हुआ है। मौसम ने भी काफ़ी प्रभावित किया? मौसम बहुत, पूरे गेहूं के सीजन कटाई से लेके अभी तक हर समय मौसम ने परेशान किया है और इसी कारण से थोड़ा रेट कम है, नहीं तो रेट और अच्छा रहता। और मौसम की वजह से ही गेहूं लेट आने की उम्मीद है क्या? अभी और रुका हुआ है? नहीं, फसल तो थोड़ा 10-15 दिन पहले आ गई है, फसल तो इसी टाइप की चलेगा और मतलब एंड में थोड़ा कम हो जाएगा, एंड में थोड़ा आवक कमज़ोर रहेगी, लेकिन अभी चलेगा 1 महीने 20 दिन 25 दिन 1 महीने तो करीब करीब भरपूर आवक रहनी है। अगर डिमांड कमज़ोर रहती है तो आवक घट जाएगी, अगर मान लो डिमांड रहेगी तो बराबर मात्रा में आते रहेगा। अभी भी कुछ किसान लोगों की कहानी रह गई है? लगभग 99% 95% तो कहानी हो चुकी है, किसान ने अपने पास रख लिया है, बस ये है कि किसी को रेट पट रहा है तो वो लाके बेच रहा है, किसी को नहीं पट रहा है तो वो अभी रोका हुआ है। यानी कि किसानों ने रोक के रखा है? हाँ, रोका हुआ है। एक्चुअल में क्या है, अभी डिमांड कमज़ोर है तो आगे चल के जैसा रेट अगर ऊपर आता है तो किसान वापस से माल बेचेगा। आने वाले समय में किसानों को फ़ायदा है? आने वाले समय में किसानों को फ़ायदा, और अभी भी गवर्नमेंट रेट से तो अच्छा ही बिक रहा है, लेकिन थोड़ा अभी करीब करीब 4-5 दिनों से थोड़ा कमज़ोर होने के कारण करीब 70-80 रुपये से 100 रुपये बाज़ार निकल गया है। बहुत तो आने वाले समय में किसानों को इसमें अच्छा दाम मिलने की उम्मीद है। अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा है। मैं मुकेश सोनी, मार्केट टाइम टीवी छिंदवाड़ा से।